हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ER.Himanshu. तो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वन प्लस नोट 2 से रिलेटेड। और गाइस, बात करेंगे हम कि भाई एंड्रॉइड 12 या एंड्रॉइड 13, यहां पर हमारे पास कौन सा अपडेट हमें रिसीव होने वाला है आने वाले टाइम में। और गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस देखिए, मैं बता दूँ आपको कि हमारे पास अभी एंड्रॉइड 13 का बीटा अपडेट रोल आउट हुआ था मार्च के फर्स्ट वीक में, राइट। और दोस्तों 5000 यूजर्स को ये अपडेट देखने को मिला था और सभी यूजर्स को नहीं देखने को मिला। काफी ज्यादा यूजर्स ने यहाँ पर अप्लाई किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो फेल दिखाने लगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है 5000 यूजर्स तक का क्राइटेरिया वन प्लस प्रोवाइड करता है। तो गाइस ऐसे में अब हमारे पास वन प्लस नोट 2 को एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिलने वाला है या एंड्रॉइड 12 का। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो लोग एंड्रॉइड 12 पर हैं और जो लोग एंड्रॉइड 13 पे हैं, उनको दोनों को डिफरेंट अपडेट देखने को मिलने वाला है। ऐसा क्या है तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप एंड्रॉइड 12 पर हैं तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट C.14 का देखने को मिल सकता है। इसका रीजन क्या है वो आगे वीडियो में बताऊंगा। और जो लोग एंड्रॉइड 13 पर हैं तो गाइस जो अभी तक सूत्रों के द्वारा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि एंड्रॉइड 13 पर अभी बीटा 1 रोल आउट किया है, उसके अंदर इतने ज़्यादा वर्क्स निकल कर आए हैं और गाइस, तो उसके लिए यहाँ पर OBTU सेकेंड का यहाँ पर प्लान कर रहा है वन प्लस नोट 2 के लिए वन प्लस। तो गाइस हो सकता है अप्रैल का फर्स्ट वीक यहाँ पर आपके लिए OBTU सेकेंड लेकर आए, क्योंकि गाइज आपने देखा होगा वन प्लस नोड C2 को यहाँ पर OBTU 1, OBTU 2 और ऐसे ही सारे और भी सीरीज को यहाँ पर सेकेंड थर्ड और OBTU 3 तक यहाँ पर मिल चुका है अपडेट। तो गाइज यहाँ पर वन प्लस नोड 2 के लिए वन प्लस यहाँ पर डिस्कशन अभी कंटिन्यू चालू है और हो सकता है, पॉसिबल है अप्रैल फर्स्ट वीक की यहाँ पर जो अलर्ट रेड लाइट है जो कि जल चुकी है कि भाई फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर OBTU सेकेंड मिल सकता है। तो गाइज अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास अगर और कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी तो आपको वीडियो में हमारे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। तो गाइज फर्स्ट 20 अप्रैल का जो आने वाला है उसमें OBTU सेकेंड देखने को मिल सकता है जो लोग एंड्रॉइड 13 पर हैं उन लोगों को, और जिन लोगों ने अप्लाई किया था और उन लोगों का फेल्ड हुआ तो हो सकता है उन लोगों को भी यहाँ पर वन प्लस खुशखबरी दे दे और उन लोगों को भी बीटा अपडेट मिल जाए, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो एंड्रॉइड 12 के पास है, जैसे सपोज मेरी बात करें तो मेरा एक मोबाइल जो है वो एंड्रॉइड 12 में है, तो गाइज उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज देखिए क्या होता है कि अगर OBTU के अंदर जो आपका बीटा वर्जन चल रहा है, बीटा 1 बीटा 2 जो फेज चल रहा है, उसके अंदर अगर टाइम लग रहा है स्टेबल अपडेट रोल आउट होने के लिए, तो गाइस कई सारे यूजर्स 5000 यूजर्स तो है नहीं दुनिया भर में। तो गाइस आप लोगों को क्या है कि आप जो लोग बच गए हैं 5000 के अलावा जो यूजर्स हैं उन लोगों के लिए क्या, तो गाइस एंड्रॉइड 12 यूजर्स के लिए वहां पर जो अपना सिक्योरिटी बेस का अपडेट है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक स्टेबल अपडेट वन प्लस के लिए सभी यूजर्स के लिए रोल आउट नहीं कर देता है वन प्लस। तो यहाँ पर 0.14 के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टेबल अपडेट आने में लगभग मुझे लग रहा है कि अप्रैल एंडिंग का पॉइंट यहाँ पर जाने वाला है। लेकिन हाँ, अगर OBTU सेकेंड के बाद गतिविधियां बिगड़ती नहीं है, अगर सपोज उस केस में भी OBTU सेकंड में भी अगर वर्क्स निकल कर आ जाते हैं तो गाइज OBTU थर्ड भी वहां पर रोल आउट होने की संभावना बन जाएंगी। तो प्लीज आप लोग इतना ज्यादा हाइपर ना हो कि भाई इतनी ज्यादा वर्क्स आ रहे हैं ये हो रहा है। तो अगर देखिए OBTU आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है अपने अंदर, तो गाइज आप लोगों को धैर्य रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम होता है, इसके अंदर वर्क्स इश्यूज निकलते रहते हैं। तो गाइज आप लोगों को घबराना नहीं है। और उसके अलावा आप लोगों को बता दूं, अगर इश्यूज ऐसे देखने को मिलते हैं तो आप लोगों को रोलबैक करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो प्लीज आप लोग रोलबैक कर सकते हैं, लेकिन परेशान ना हो। तो गाइज मैंने ओवरऑल आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन समझा दी है कि OBTU सेकेंड के चांस हैं और C.14 के भी चांस हैं एंड्रॉइड 12 यूजर्स के लिए। तो गाइज ओवरऑल सब कुछ मैंने इस वीडियो में समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर डायरेक्टली मुझसे DM कर सकते हैं, तो मैं यूजर्स के DMs लेता रहता हूं। तो गाइज आप लोगों को वहां भी 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो गाइज मिलता हूं बहुत ही ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।